हेलो नाज, तो मैं आपका भाई रजनीश आज आप लोगों के लिए एक छोटी सी वीडियो लेके आया हूँ। एक नॉर्मल सा टॉपिक है हमारे पास, ये एम्ब्रेंस बैंड की ये लीड है और ये इसमें सिर्फ हमारा एक लीड चलता था, एक लीड नहीं वर्क करता था, ठीक है। इसमें हम जो है एक न्यू लीड है हमारे पास, यहाँ पर हमने न्यू लीड का इस्तेमाल करेंगे यहाँ पर, ठीक है दोस्तों। और इसमें जो है हम इतना हिस्सा जो है हम इस्तेमाल नहीं करेंगे, इसका आधा हिस्सा काट के निकाले देंगे। यहाँ से सिर्फ ये हम ये दो लीड है जो मिस्सी का इस्तेमाल करेंगे। ये वर्किंग है, वर्किंग में है, दोनों लीड प्रॉपर चलती है, ठीक है। ये न्यू लीड है और ये ओल्ड लीड है, तो इसका मॉडिफिकेशन करेंगे हम। तो वीडियो में अगर नए हैं तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करना और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करना दोस्तों, ताकि ऐसी मोर वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप लोगों को सबसे पहले मिलती रहे। तो कुछ इस तरीके से ये लॉक निकल जाएगा और ये लीड का जो है हमने कुछ इस टाइप से जो है यहाँ से इसकी वायर्स हमने निकाल लेनी है, ठीक है भाइयों। इसको हम जो है एक टर्मिनल में धीरे धीरे करके हम इसे निकाल लेंगे यहाँ पर, तो कुछ इस प्रकार से ये निकल जाएगा। तो दोस्तों कुछ इस प्रकार से लीड निकल जाएगा, बाकी ये हिस्सा हम रख देते साइड में, ये किसी काम का नहीं है अभी, इसको किसी और प्रोजेक्ट में इस्तेमाल कर लेंगे। ये देखिए, ये बस ये जो है ये लॉक हमें निकालना पड़ेगा यहाँ से, ये लॉक हम निकाल देंगे। दोस्तों ये लॉक निकालने के बाद जो है ये लीड अलग अलग हो जाएगा। तो इस लीड को आप शोल्ड करने से पहले जो है आपने हल्का सा यहाँ पे इसको जलाना पड़ेगा, मैं दिखा देता हूँ अभी आप। तो दोस्तों ये कंपनी की ओरिजिनल लीड होती है ना, तो इसमें कोटेड होता है, तो इसको हमें जलाना पड़ता है यहाँ पे। इसको इस प्रकार से जब आप जला देंगे तो उसके बाद आपने जो है इसके ऊपर शोल्ड करना है, तब ये सही से पकड़ेगा इसके ऊपर शोल्डरिंग जो है, ताकि ये आपस में शॉर्ट ना हो, इसीलिए कंपनी कोट देती है, ठीक है। तो दोस्तों अब सिंपली करना क्या है, हमारा जो ये बैटरी देखिए, इसमें हमने इसमें जो बैटरी लगा हुआ है वो अभी 110 mAh का बैटरी है ये अपना, मैं सीधा करके दिखा देता हूँ आपको। ये देखिए 110 mAh का ये बैटरी है, ओके। और यहाँ पर जो है इसके स्पीकर्स के कनेक्शन यहाँ पे इस सर्किट के द्वारा जो है किया गया है, ठीक है मेरे भाइयों। यहाँ पे इसका लेफ़्ट राइट कनेक्ट हो रखा है, तो यहीं पे जो है इसका लेफ़्ट राइट हम लगाएंगे एक स्पीकर का, ठीक है। तो ये इसका ये ग्राउंड वाला वायर निकाल लेंगे, प्लस वाला वायर निकाल लेंगे, एक स्पीकर हम निकाल देंगे इसमें से। अब अपना एक स्पीकर जो है इसमें लगाएंगे, देखिए ग्राउंड वाला हमने लगा दिया है, अब प्लस वाला लगा देंगे इसमें, देखिए प्लस वाला भी हमने लगा दिया है। अब इसको ऑन करके देखेंगे हम, ठीक है, इसमें आवाज़ आती नहीं आती। तो दोस्तों मैं इसे ऑन करके दिखाता हूँ अभी आपको, ये देखिए पावर ऑन। तो दोस्तों देखिए हमने यहाँ पे NCS एक बे बूस्टेड सॉन्ग चला लिया है, अब उम्मीद करता हूँ आप लोगों को सुनाई दे इसमें। तो एक अभी और लगाना बाकी है दोस्तों, अभी हमने एक लगाया नहीं है, ये देख पा रहे होंगे आप इसमें कितना बेटर साउंड आ रहा है। तो दोस्तों अब दूसरे वाले पे भी लगा लेते हैं, ठीक है। लो पापा, इसी तरीके से ये वर्किंग करेगा दोनों। तो दोस्तों अब दूसरा वाला भी हम खोलेंगे इसी प्रकार से जो है, इसको पहले दोस्तों इसको पहले बंद कर देंगे हम कुछ इसी प्रकार से, जैसे खोला था इसको वैसे ही बंद भी कर देना है ध्यान से, ठीक है। तो दोस्तों ये कवर जो है, ये कवर भी आगे लगा लेना है।
आपने जो है फिर उसके बाद कुछ इस प्रकार से आपने ये बैटरी रखनी है यहाँ पर, ठीक है। फिर उसके बाद जो है आपका स्पीकर यहाँ पे आ जाएगा कुछ इस टाइप से, ठीक इसको भी यहाँ पे लगा लेना है। फिर उसके बाद जो है ये ढक्कन भी लगा लेंगे हम। इसे पैक कर देना दोस्तों, इस तरीके से इसे पैक कर देना है अंदर डाल के सही तरीके से। तो उसको कुछ इस तरीके से पैक हो जाएगा, ठीक है। फिर दूसरा लीड का हम खोलेंगे आप। तो इसे थोड़ा गर्म कर लिया हमने, गर्म करने के बाद जो है आप इसे बिठाएंगे एकदम परफेक्ट तरीके से, इसे दबा के रखेंगे तो ये चिपक भी जाएगा इसी तरीके से, ठीक है। तो आपने जो है लॉक की टेंशन ख़त्म। फिर अब इसे खोलते हैं, इसको भी कुछ इस प्रकार से खोलना है। इसका लॉक हटाना है, इसका एक एक लॉक है कोने पे लॉक हटेंगे इसके जो है दोनों। तो दोस्तों इसको थोड़ा प्रेस करेंगे यहाँ से तो ये आराम से ये जो है कुछ इस प्रकार से बाहर आ जाएगा, कोई बात नहीं। इसको भी हम बाहर निकालेंगे, ये वाला स्पीकर भी निकालेंगे हम बाहर और ये वाला स्पीकर भी चेंज कर देंगे, ठीक है। डरना नहीं है, आपने निकालना है। ये देखिए ये पहले जो इसमें लगा हुआ था स्पीकर लीड बढ़िया था, ठीक है, ऐसी बात नहीं है, अच्छा नहीं था, बहुत अच्छा था। और ये जो है तो नॉर्मली 100-150 रुपये में मिल जाता है मार्केट में, लीड 800 वाली थी ओरिजिनल। तो इसको भी तो लेना है काम में, तो काम में लेने के लिए मैं आपको बताता हूँ क्या करना है। जो है ये लीड का इस्तेमाल करना है सिर्फ आपको 100-150 रुपये में, आपको पुराना लीड जो है ओरिजिनल आप इस्तेमाल कर सकते हो दोबारा से। तो यहाँ पे देख पा रहे होंगे आप, ये ओरिजिनल सर्किट है। यहाँ पे आपका लेफ्ट राइट स्पीकर का लगा हुआ है, ये बैटरी के कनेक्शन थे हमारे, यहाँ से चार्जिंग होता है जो है। और ये अपना यहाँ पे दो लेफ्ट राइट स्पीकर दिख रहा होगा आपको, लेफ्ट राइट लिखा हुआ है प्लस माइनस। तो यहाँ पे स्पीकर का रेड वायर लगा देंगे हम यहाँ पर, ठीक है। प्लस पे प्लस लगा देंगे और माइनस पे माइनस लगा देंगे, ठीक है भाइयों। तो दोस्तों ये प्लस पे प्लस माइनस पे माइनस हमने लगा दिया है, ये देखिए कुछ इस तरीके से आपने भी लगा लेना है, ठीक है। मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ, ये देखिए, ठीक है। और ऑन करके देख लेते हैं हम इसको जो है। तो दोस्तों ये भी बहुत अच्छे तरीके से ऑन ऑफ हो रहा है, कनेक्टेड, ठीक है भाइयों। ये देखिए तो दोस्तों अब मैं इसे पैक कर देता हूँ, पैक करने के बाद आप लोगों को दिखाता हूँ। तो ये लगाने से पहले जो है आपने ये रबड़ जरूर लगा लेना है इस लीड का निकाल के, सोल्डरिंग आयरन से कुछ इस प्रकार से जो है होल कर लेना है इसके अंदर ये लीड निकाल के, ठीक है। फिर आपने इसे बंद करना है पहले तो अपना सर्किट, ये सर्किट बंद करना है। ये सर्किट बंद करने के बाद आपने ये स्पीकर के तार यहाँ से जो है हटाने,
ये स्पीकर के तार पहले यहाँ से हट जाए, फिर उसके बाद जो है आपको यहाँ पे ये वायर कुछ इस प्रकार से अंदर से डाल दिए, और यहाँ पे है इस वायर को थोड़ा छील लेना है, थोड़ा बड़ा कर लेंगे हम इस वायर को। ओके, तो दोस्तों इसका ये लगाने के बाद जो है, इसका कनेक्टर का जो होता है ये लगाने के बाद, फिर उसके बाद आपको स्पीकर के इसमें जो वायर शोल्ड करनी है, यहाँ पे माइनस लगा लेंगे हम। वो प्लस पे प्लस लगा देंगे। फिर उसके बाद यहाँ पे ले इसको ले जाएंगे आगे, ठीक है। फिर उसके बाद जो है सिंपली इसको पैक कर देंगे यहाँ से, इसी से चारों तरफ से गोल 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 प्लास्टिक लगा देंगे, इसी को गला के जो है इसके ऊपर चिपका देंगे, ताकि ये पकड़ बना ले बढ़िया से जो है। तो थोड़ा तो फर्क पता चले गई, लेकिन ये है कि आपका ओरिजिनल जो है, ओरिजिनल ब्लूटूथ ओरिजिनल ही दिखेगा फिर, ठीक है, ओरिजिनल की तरह ही बजेगा, वर्किंग में आप ले सकते हो, ये नहीं कि कूड़े में आप डाल दो उसे। तो कूड़े में डालने से अच्छा है एक बार उसे ट्राई करो, बन जाता है तो ठीक है। तो दोस्तों अब इसको जो है हम सेट कर लेंगे यहाँ पर, देखिए आगे भी हमने कुछ इसी प्रकार से लगा दिया है। दोस्तों इसको अब ऑन करके देखेंगे, ये देखिए ऑन हो चुका है, ठीक है। तो लाइक सब्सक्राइब तो ज़रूर करना, बेल आइकन ज़रूर प्रेस करना, ताकि ऐसी मोर वीडियोस की नोटिफिकेशन आप लोगों को तो सबसे पहले मिलती रहे दोस्तों, ठीक है। ओके, टाटा, बाय बाय।